अमेज़न के जंगलों में लगी आग को लेकर वैश्विक स्तर पर खींचतान की नौबत आ गई है। दुनिया का फेफड़ा कहे जाने वाले इन जंगलों में लगी आग को लेकर देश के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो आलोचकों के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति बोल्सोनारो का दावा है कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए एक एनजीओ ने जानबूझकर आग लगाई है। बोल्सोनारो खास तौर पर पश्चिमी देशों पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि आग को जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि ब्राजील के आर्थिक विकास की गति को बाधित किया जा सके। दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाले अमेज़न के जंगल को लेकर अब दुनिया क्यों परेशान है, चलिए आपको बताते हैं। विश्व के कुल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगल में है। अमेज़न के जंगलों का क्षेत्र 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल से ज्यादा है। ये पूरी धरती के करीब 4% क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया के करीब 60% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगलों में है। अमेज़न जीव पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। अमेज़न जीव पारिस्थितिकी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के 30% से ज्यादा पेड़ पौधों और कीटों का निवास स्थान है। अमेज़न में विश्व का 10% बायोमास यानी जीव ईंधन है। इस कारण इन जंगलों में बड़ी मात्रा में पूरे विश्व का कार्बन रहता है। जंगलों में लगी आग के कारण बड़े पैमाने पर जंगल से कार्बन उत्सर्जित होगा और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का भी कारण है। अमेज़न के जंगलों में 39,000 करोड़ पेड़ हैं और 16,000 से ज्यादा जीव प्रजातियां मौजूद हैं। बढ़ती आग से बड़ी चिंता। 2019 में अब तक 74,000 बार इन जंगलों में आग लग चुकी है। 2013 से आग लगने की घटनाओं में दोगुनी रफ्तार से वृद्धि है। ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के सैटेलाइट के डेटा के अनुसार 2018 में आग लगने की घटनाओं में 84% की वृद्धि देखी गई। नासा का कहना है कि इस साल आग लगने की घटनाएं अभी तक औसत से कम रही हैं। आग के कारण दिख रहे हैं व्यापक प्रभाव। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साओ पाउलो के करीब 2,700 किलोमीटर तक के आकाश में इस आग के कारण काला धुआं बढ़ गया। कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पराग्वे से आ रहे धुएं के कारण भी आसमान पर काला गुब्बारा छा गया है। आमतौर पर शुष्क मौसम में जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं। कई बार जानबूझकर भी जंगलों में आग लगाई जाती है ताकि उस जमीन का प्रयोग खेती के लिए किया जा सके। ब्राजील के INPE का कहना है कि आग लगने की घटनाओं में वृद्धि अस्वाभाविक परिस्थितियों के कारण हो रही है। सामान्य मौसम में औसत से थोड़ी ही कम बारिश होने के बाद भी आग लगने की घटना हुई है। ब्राजील सरकार जिम्मेदार। ब्राजील के राष्ट्रपति पर विश्व समुदाय का आरोप है कि वो पर्यावरण के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ बोल्सोनारो ने INPE प्रमुख को ही इस महीने पद से हटा दिया। बोल्सोनारो ने कहा कि INPE प्रमुख जंगल की आग को लेकर भ्रामक सूचनाएं दे रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि बोल्सोनारो के कार्यकाल में जंगलों की कटाई व्यापक स्तर पर हुई है। उनके कार्यकाल में गैर कानूनी तरीके से जंगल काटने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई।